आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नेम टू फूड मटेरियल्स व्हिच कैन बी प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग ऑयल और विनेगर। पूछा गया कि ऑयल और विनेगर से कौन से दो फूड मटेरियल्स प्रिजर्व किए जा सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि ऑयल और विनेगर का बात करें तो ये दोनों ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स क्यों कहा जाता है? तो इनको बेसिकली क्या होता है कि नेचुरली रॉ यूज किया जाता है ऑन द फूड मटेरियल्स, जो कि क्या करते हैं कि शेल्फ लाइफ ऑफ फूड जो होता है, शेल्फ लाइफ ऑफ फूड को इंक्रीज कर देते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम, हम कह सकते हैं कि जो माइक्रोबियल ग्रोथ रहता है। और ये माइक्रोबियल ग्रोथ से प्रोटेक्ट करने का काम करते हुए लॉन्ग लाइफ देते हैं फूड को और उसे प्रोटेक्टेड भी रखते हैं। तो बेसिकली ऑयल और विनेगर जो यूज होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल पिकल्स को हम कह सकते हैं कि सही से सेफ रखने के लिए यूज होता है, और साथ में विनेगर जो है वो मोस्टली ऑनियन को प्रिजर्व करने के लिए होटल्स में यूज होता है, जिसके कारण से ऑनियंस जो है वो सॉफ्ट भी रहते हैं और बहुत लॉन्ग लाइफ भी इन लोगों का हो जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि करेक्ट आंसर जो है वो यही दोनों हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे पिकल्स है और ऑनियन है, और उसी को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।